पिछले दो महीनों से बीमारी से मानसिक अवसाद में आए शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतावली थाना क्षेत्र के पुराना शहर मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक राजेंद्र शर्मा की मौत के बाद परिजनों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शिक्षक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सिटी सुरेश मीणा ने बताया कि सुबह परिजनों ने उन्हें शिक्षक द्वारा फांसी लगा लिए जाने की खबर दी थी। खबर मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे सीओ ने परिजनों से बात की तो परिजनों ने बताया कि शिक्षक राजेंद्र शर्मा बैसाख स्कूल में तैनात था और शिक्षक मानसिक रूप से परेशान था। शिक्षक राजेंद्र शर्मा के बड़े भाई देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह 7 बजे जैसे ही उन्होंने छोटे भाई का कमरा खोला तो उन्हें छोटा भाई मृत हालत में मिला, जिस पर पड़ोसियों की मदद से शिक्षक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले को लेकर सीओ सिटी ने बताया कि शिक्षक के गले पर निशान होने की वजह से फांसी लगाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल लंबे समय से मायके में रह रही शिक्षक की पत्नी के ढोलपुर लौटने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है।